आप ये सेवा पब्लिक की सेवा में लगे तो है, लेकिन दिख रहा ना सामने जो इसका लूट रहे पैसा लूट रहे ना, उसके खिलाफ हमारा लड़ाई है। बस आज सुबह सुबह हमारे सामने दो लेडीज लेके मार लगा, मार लगा, उनको हम एक जगह तो एडमिट किए। हम बोले क्या जिम्मेदार उसका, जिम्मेदार कौन उसका? बोलो नहीं आप खबर जो हमारी कर्नाटक सरकार है, जो रोड पे जो ड्राइव करते हैं ड्रिंक करके जो ड्राइव करते हैं उनको 10,000 पेनल्टी मारती है, और बिना लाइसेंस से गाड़ी चला रहे हैं तो उनको 2,000 पेनल्टी मारती है, और ओवरटेक अगर करके अगर आगे जाते हैं स्पीड में आगे जाते हैं तो उनको 5,000 पेनल्टी मारती है। अगर गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं रहा उसको 5,000 पेनल्टी मारती है। अगर आज इतने सारे अगर पेनल्टी लेते हैं तो वो कई के लिए लेते हैं टैक्स? हमारे को रोड अच्छी तरह रोड देना चाहिए, इसीलिए लेते ना वो पेनल्टी। तो आज हमारे इतना पेनल्टी लेते हो तो आज रोड की हालत देखिए। आज इतने सारे पेनल्टी पब्लिक भर रही है, लेकिन आज पब्लिक का जान ले रहे हो आप लोग। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जो कंसल्टर जो ऑफिसर से मैं अभी बात किया उनसे, दो घंटे से मैं बात कर रहा हूँ उनको, दो घंटे से मैं 10 मिनट में आया, 5 मिनट में आया, यही बता रहे हैं वो लोग। आने के लिए तैयार नहीं है कोई यहाँ पे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अगर आने वाले दिनों में 2 दिन का हम वक्त देंगे इनको, अगर 2 दिन में अगर ये रोड अगर ठीक नहीं हुआ पूरा बस स्टैंड में यहाँ पे आके हम लोग ट्रैफिक पूरा बस स्टैंड में भूख हड़ताल करके हम लोग ट्रैफिक यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। जय हिंद जय कर्नाटक। ये प्रॉब्लम 15 दिन से है ऐसा, 15 दिन से कई लोगों ने यहाँ पे आसपास के लोग हर दिन गिरते गए, हर दिन ऑफिस कंसल्टर ऑफिसर को बताते गए, तो भी आज कोई यहाँ पे आके जो है ना जिम्मेदारी लेके कोई काम नहीं किया कोई भी ऑफिसर। ये रोड के खड्डे ऐसे कितने पे हैं ऐसे पूरे गुलबर्ग के अंदर है, जहाँ पे भी मेन रोड से हर गली हर एरिया में हर गली गली में ऐसे रोड से, हर चाहे रिंग रोड हो हाईवे रोड हो हर रोड पे। परसों आप लोगों ने देखा, परसों जहाँ पे यहाँ पे अफजलपुर जो जाते हैं रोड जो वो ओवरब्रिज बना है उसके ऊपर रिसेंटली 2 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ है, अभी तक वो पेशेंट अभी सीरियस है, अभी तक तो ही पूछने वाला कोई नहीं है। हर चीज़ का टैक्स ले रही है सरकार, रोड का टैक्स ले रही है, हर चीज़ का टैक्स ले रही है, खाने पीने का टैक्स ले रही है सरकार, तो भी आज लोग ऐसे व्यवस्था में लोगों को जी रहे हैं, फिर भी इतना टैक्स भर के भी लोग आज जान दे रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? अब आने वाले दिनों में हमारा हिंदुस्तान 75 ईयर आज़ादी का दिवस मनाने जा रहा है, फिर भी आज लोग ये हालत में जी रहे हैं आज लोग हमारे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कंसल्टर ऑफिसर्स को, ये जल्द से जल्द जो भी प्रॉब्लम से पूरे जल्द से जल्द सॉल्व होना चाहिए, पूरे गुलबर्ग की प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। अगर नहीं होंगे हम हर जगह पे हम लोग हड़ताल करेंगे और ट्रैफिक रिकॉर्ड करके हम लोग हर रोड पे बैठेंगे हम लोग। जय हिंद जय कर्नाटक। सर मेरा नाम इस्लामुद्दीन है, ये गुलबर्गा बस स्टैंड के सामने जो खड्डे है और ये मील से लेके तिम्मापुरी चक तक जितने भी पैचअप्स है इससे क्या है लापरवाही हो के 2-3 एक्सीडेंट हुए यहाँ पे, इसलिए हम पूरा रोड बंद करके ये कर रहे, तो भी यहाँ पे पुलिस वाले हमको हटा रहे हैं, इसके जिम्मेदारी कौन है? क्या कुछ पब्लिक को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी लेने के लिए क्या पुलिस वाले है क्या यहाँ का MLA है? और यहाँ पे बारिश आके घरों में दीवार टूटा, घर पे झाड़ गिर रहा, कोई कॉर्पोरेशन से कोई ये रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो इसके लिए ये क्या मालूम है खाली ये अभी आगे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। ये 1.5 महीने से ये जब से बारिश आ रहा है जब से ये प्रॉब्लम है, यहाँ रंधे जोरगी क्रॉस रंधे विद्यानगर SBR पूरे गाड़ी आते जाते, मगर पुलिस वाले बराबर फाइन मार लेते बैठते 500,000 रुपये, लोग गिर के 2 जने को एडमिट करे KPN हॉस्पिटल में। किसी संबंध अधिकारी को पूछे, संबंध अधिकारी कॉर्पोरेशन कमिश्नर को भी बोले, और जे ही आता हूँ बोल के 2 घंटे से सता रहा, अभी तक आता हूँ बोल के नहीं आया। इंटीमेशन दिया तो मेरा नाम मोहम्मद इसामुद्दीन साउथ वाइस प्रेसिडेंट।